हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब होपली आप सब ठीक होंगे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं तो आज काफ़ी दिन बाद व्लाग अपलोड करने लगी हूँ क्योंकि घर में अचानक से शादी आ गई थी सिस्टर की तो उसकी उसमें थोड़ी मसरूफ़ीत थी तो शादी की अभी मैंने कोई प्रॉपर मैंने व्लॉग नहीं बनाया बस मैंने चुछ छोटे छोटे आप लोगों के साथ क्लिप शेयर कर दिए क्योंकि फिर ऐसे अगर मैं व्लॉग बनाने लग जाती थी फिर शादी जो है वो मैं एक तो इन्जॉय भी नहीं थी कर सकती और एक कुछ घर घर में गेस्ट वगैरह आए हुए थे तो उसमें मैं थोड़ा बिजी हुई हुई थी तो इसलिए मैंने कोई प्रॉपर मैंने व्लॉग नहीं बनाया तो आज मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ तो मैंने कहा आप लोग साथ अपनी थोड़ी रूटीन शेयर करती हूँ तो आज नाश्ते नाश्ता करने के बाद जी मैंने इर्ज़ा को दिला दिया है शावर इर्जा को मैंने फ़्रेश कर दिया क्योंकि इर्जा को बहुत गर्मी लगती है इसको सुबह से उठ के मैं शावर दिला के तो मैं फ़्रेश कर देती हूँ उसके बाद मुझे जाना था अलाए के स्कूल क्योंकि अलाए को समर वेकेशनस हो हुई हैं अलाय का समर टास्क लेना था और साथ में इसका बुक्स जो है पूरी चेकिंग के लिए की हुई थी कुछ वो लेना था तो आज स्कूल गई थी अलाया के समर टास्क वगैरह लेने के लिए उसके बाद घर आने के बाद फिर घर के काम वगैरह किए तो मैं आपको दिखाती हूँ जी ये घर हमारा हो गया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन तो आजकल मैंने सोफ़े का कवर मैंने उतारा हुआ ब्लैक सोफ़ा है ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है डस्ट बहुत आती है इस पर तो उसके बाद जी ये हमारा किचन भी हो गया है क्लीन बिल्कुल और बाकी सारा घर भी क्लीन हो गया है बच्चे जो है खेल रहे हैं खाना भी हमारा रेडी हो गया है खाने में आज हमने बनाया है दाल कद्दू तो ये मिर्जा मैडम जो है हमारी इसको क्रॉलिंग करनी आ गई है ये हमारे आगे आगे और हम इसके पीछे पीछे होते हैं और ये रूश फातम तो आजकल बहुत मोबाइल देख रही है क्योंकि आजकल ट्यूशन से और सपारे से ऑफ कर रहे हैं मंडे से इन इनकी रूटीन सेट करूँगी मैं तो ये जी खाने में दाल कद्दू बना है जो कि हम खाना खा चुके हैं उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने आज रूटीन शेयर करनी है तो आप लोगों को दिखाना था उसके बाद ये मैं करने लगी हूँ जजा का ड्रेस स्टिच तो आजकल ये इतना ट्रेंड आया हुआ बटरफ्लाई प्रिंट का इतना ट्रेंड है ब्रांड्स पर क्या मॉल्स में मैं फोट्रस गई हूँ फोट्रस में ये प्रिंट है मैं लोकल मार्केट गई हूँ लोकल मार्केट में ये प्रिंट है मतलब ये इतना बटरफ्लाई प्रिंट आया हुआ है हालांकि ब्रांड्स पर तो थ्री पीस आए हुए हैं इसके विद दो तो मैंने इसका ये बेल बॉटम बनाया है और साथ में जो है मैंने इसके स्ट्रेट शर्ट बनाई है इलास्टिक वाले बाजू और नीचे मैंने छोटी छोटी जो है शीटल की लेस लगा दिया तो ये इतना अच्छा लग रहा था पहना क्योंकि मुझे लगता है ये तो ये थोड़ा बच्चों वाला प्रिंट है तो ये बच्चों को पहना हुआ ये अच्छा लगता है तो उसके मैं एक दो और भी लेके आई हूँ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब वो स्टिच कर लूँगी तो वो भी बड़े प्यारे प्यारे से प्रिंट है तो उसके बाद जी ये ड्रेस मैं आप लोगों को मैंने प्रॉपर दिखाया है कि वह गर्मियों में ना जो मर्ज़ी बंदा कर ले लेकिन लोन के ड्रेस में जो बंदा ईज़ी फील करता है ना वो किसी ड्रेस में भी नहीं करता उसके बाद जी ये अरूज फातमा जो है ये आजकल थोड़ा अकेला है क्योंकि अकेली है क्योंकि अलाया जो है वो भी अपनी पप्पो की तरफ गई हुई है तो ये आया था दराज से पार्सल जो कि मैंने एक हफ़्ता पहले का ऑर्डर किया हुआ था तो आज मुझे रिसीव हुआ है तो दराज से मैंने मंगवाया था सोफ़ा कवर थ्री सीटर जो सोफ़ा होता है सोफ़ा कम बेड उसका मैंने कवर मंगवाया था तो ये साथ उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है ये ट्रांसपेरेंट जिप बैग है और साथ में ये सोफ़ा कवर है जट का सोफ़ा है सोफ़ा कवर है तो इसके साथ बेड जो है वो मेरी मामा ने लेके आएंगी तो इन ईद पे मैं पूरा कमरा जब मैचिंग मैचिंग करूंगी सारा कुछ तो फिर आप लोगों को सारा डिटेल में दिखाऊँगी तो ये पहले जो मेरे सोफ़े पे जो ब्लैक मेरा सोफ़ा है उस पर मैंने ब्लैक ही मंगवा लिया तो उस पर इतनी डस्ट आती थी कि नज़र आती थी डस्ट ब्लैक के ऊपर तो अब मैंने थोड़ा ना लाइट कलर में मंगवाया कि इस पर डस्ट नज़र ना आए तो अब मैं आपको सोफ़ा कवर भी करके दिखाती हूँ तो ये देखिए जी ये सोफ़ा कवर जो है ये कुछ इस तरह से आएगा इसकी चारों तरफ प्लास्टिक लगी हुई है तो उसके बाद जी ये है रात का टाइम रात के टाइम हस्बैंड मेरे बना के पिलाने लगे थे मुझे कोल्ड कॉफ़ी तो हसबैंड मेरे ने कोल्ड कॉफ़ी तो मुझे बना के पिला दी लेकिन किचन जो है उन्होंने खलारो खलारी कर दिया तो तकरीबन उन्हें दस मिनट में उन्होंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी और आधा घंटा मुझे लगा किचन साफ़ करने में लेकिन चलें खैर और कोल्ड कॉफ़ी बहुत मज़े की बनी थी उन्होंने सबसे पहले इसमें डाला है दूध उसके बाद इसमें कॉफ़ी ऐड की है उसके बाद इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड किया और बर्फ़ के छोट छोटे छोटे पीसीस करके तो वो ऐड किए हैं और मेरे लिए उन्होंने बगैर चीनी की बनाई थी और अपने लिए जो है उन्होंने चीनी वाली बनाई थी क्योंकि मैं जो है ना चीनी थोड़े कम पीती हूँ तो इसलिए मेरे लिए उन्होंने चीनी वाली ब... चीनी के बगैर बनाई थी तो ये दो दफ़ा करके बनाई थी तो बर्फ़ जो क्यूब्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे करके क्यूब्स डालें ताकि वो अच्छे से अंदर क्रश जो है बन जाए तो ये बहुत मज़े की बनी थी आ, जो है कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी तो कभी कभी जूस वग़ैरह पीने को दिल नहीं करता तो थोड़ा डिफरेंट थो दिल करें तो फिर ऐसा बंदा बना के पी लें तो जी इसके साथ ही करते हैं ब्लॉग का एंड जो चैनल पे नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़ी